नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वियतनाम का है और बेहद हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो में 12वीं मंजिल की बालकनी से गिरी 2 साल की बच्ची को एक डिलीवरी ड्राइवर ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखें ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद लोग ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना तब हुई जब सामान डिलीवरी करने के लिए एक ड्राइवर अपने ट्रक में बैठकर इंतजार कर रहा था, तभी उसने एक बच्ची को बालकनी के कोने पर लटका देखते हुए और ये पेच तभी उसने एक बच्ची को बालकनी के कोने पर लटकते हुए देखा और ये देखते ही वह उसे पकड़ने के लिए गाड़ी से निकल आया। जैसे ही बच्ची का हाथ फिसला तभी ड्राइवर ने उसे लपक लिया। ड्राइवर ने बताया कि खुशकिस्मती से बच्ची मेरी गोद में आकर गिरी। ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इस पूरी घटना के दौरान बच्ची के मुंह से खून भी निकल आया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल अब वह स्वस्थ बताई जा रही है। जिस बिल्डिंग से बच्ची गिरी उसकी ऊंचाई 164 फीट ऊंची बताई जा रही है। वीडियो देखकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार बच्ची की जान बच गई। अगर ड्राइवर सही मौके पर नहीं पहुंचता तो बच्ची का बचना मुश्किल था। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्ची की जान बचाने वाले ड्राइवर न्यूगियन नागोस के इस कारनामे ने उन्हें लोगों के बीच हीरो बना दिया। सोशल मीडिया पर न्यूगियन नागोस की जमकर तारीफ की जा रही है। कई लोग उन्हें भगवान बोल रहे हैं तो कईयों का कहना है भले ही ये इत्तेफाक है लेकिन शुक्र है कि बच्ची की जान बच गई। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।